हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मंत्रिमंडल में फिर हो सकता है फेरबदल। सीएम अशोक गहलोत ने दिए संकेत। जयपुर राजस्थान में एक बार फिर गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। सीएम अशोक गहलोत ने पीसीसी की बैठक में इस बात के संकेत दिए हैं। हाल ही में हुए गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार में सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों को जगह नहीं मिल पाई थी, लिहाजा उनमें नाराजगी है। उनकी इसी नाराजगी को दूर करने और मंत्रिमंडल में एडजस्ट करने के लिए एक बार फिर से मंत्रिमंडल में फेरबदल संभावित है। हाल ही में हुए गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार में भाजपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों से भी केवल राजेंद्र गोड़ा को ही जगह मिल पाई है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन की उपस्थिति में हुई पीसीसी की बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने इस बात के संकेत दिए हैं। बैठक में सीएम गहलोत ने गत वर्ष आए सियासी संकट को याद करते हुए कहा कि जिन लोगों ने संकट के समय सरकार का साथ दिया उनकी नाराजगी दूर की जाएगी। गहलोत ने कहा कि हाईकमान का इशारा हुआ तो जल्द ही 6 से 8 महीने में मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है। मंत्रियों को नसीहत, सही रूप से काम करें। महंगाई के खिलाफ आगामी 12 दिसंबर को कांग्रेस की ओर से दिल्ली में आयोजित की जाने वाली रैली की तैयारियों को लेकर हुई पीसीसी की इस बैठक में सीएम गहलोत ने मंत्रियों को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि मंत्री सही रूप से काम करें। अगर मंत्रियों की रिपोर्ट खराब हुई तो आलाकमान उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकता है। अभी पार्टी में अंदरूनी खींचतान जारी है। सूत्रों का कहना है कि गहलोत के इन संकेतों के बाद राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी अभी पार्टी से कुछ ठीक नहीं हो पाया। सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट में अंदरखानी सियासी खींचतान जारी है। सीएम गहलोत मौका मिलते ही संकट में साथ देने वाले निर्दलीय विधायकों को सरकार में एडजस्ट करेंगे। पायलट गुट के 5 विधायक बनाने गए थे मंत्री। उल्लेखनीय है कि लंबी सियासी खींचतान के बाद पिछले दिनों हुए गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार में 12 नए मंत्री बनाए गए थे। वही 3 राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इस विस्तार में पायलट गुट के 5 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। इनमें से 3 को कैबिनेट और 2 को राज्य मंत्री बनाया गया था। जागरूक टीवी के जयपुर से खास रिपोर्ट।